उधर मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में हंगामा होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो था। लोगों ने जुलूस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी हैं। पथराव के बाद टीएमसी और बीजेपी में झड़प हो गई। घटना में मिथुन चक्रवर्ती और अग्निमित्र पॉल दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मिदनापुर में अग्निमित्र पॉल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। तस्वीरें अब आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। मिथुन चक्रवर्ती रोड शो करने के लिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पहुंचे हुए, जहां पर उनके रोड शो के ऊपर अग्निमित्र पॉल के समर्थन में पहुंचे थे और वहां पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गईं, जिसमें बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती और अग्निमित्र पॉल सुरक्षित हैं। लेकिन इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़प भी शुरू हो गई। तो छठे चरण से पहले पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में कांच की बोतलें और पत्थर फेंकने के आरोप हैं। मिदनापुर से अग्निमित्र पॉल उम्मीदवार हैं और मिथुन चक्रवर्ती उनके रोड शो में पहुंचे हुए थे मिदनापुर में। पथराव के बाद टीएमसी और बीजेपी में झड़प। बाद मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हो गई। तो मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंचे हुए थे अग्निमित्र पॉल जो कि बीजेपी प्रत्याशी उनके समर्थन में। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर शहर में मंगलवार को अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो के दौरान कुछ लोगों ने इस रोड शो पर पथराव किया, जिसके बाद झड़प हुई। पुलिस की तरफ से जानकारी सामने आई, मिदनापुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जुलूस पर कांच की बोतलें और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। हालांकि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप से इनकार किया है। घटना में मिथुन चक्रवर्ती और अग्निमित्र पॉल दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रोड शो कलेक्ट्रेट मोड़ से शुरू हुआ और केरानी टोला की ओर बढ़ रहा था, जिसमें सैकड़ों बीजेपी समर्थक नारे लगा रहे थे, जबकि चक्रवर्ती और पॉल हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। जैसे ही रोड शो शेखपुरा मोड़ पर पहुंचा, सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने जुलूस पर पत्थर और बोतलें फेंकी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया और झड़प शुरू हो गई। अग्निमित्र पॉल ने दावा किया कि बीजेपी के प्रति समर्थन बढ़ने से तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है और इस तरह की गुंडागर्दी का सहारा ले रही है। वे मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिग्गज अभिनेता का अपमान करने के लिए इतना नीचे गिर सकते हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की एक नुक्कड़ सभा में भाग लेने वालों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता त्रिनांकुर भट्टाचार्य ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि हम इस तरीके के कामों में यकीन नहीं करते। रोड शो फ्लॉप होने के कारण भाजपा खुद नाटक कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह नाटक बीजेपी का रचा हुआ है, बीजेपी खुद ही नाटक कर रही है। पथराव के बाद टीएमसी और बीजेपी में झड़प हो गई। घटना में मिथुन चक्रवर्ती और अग्निमित्र पॉल दोनों ही सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस इनकार कर रही है और कह रही है बीजेपी का नाटक है। वहीं बीजेपी का कहना है कि शेखपुरा मोड़ के पास कुछ लोगों ने जुलूस के ऊपर कांच की बोतलें और पत्थर फेंके, जिसके बाद झड़प हुई।